ये से कलेजा जी, हमने हाल ही में सरकार के कुछ फैसले आते हुए देखे निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में। जैसे कि सरकार ने सबसे पहले गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, फिर चीनी के निर्यात पर। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से अब अगली वो कौन सी कमोडिटीज़ होंगी जिन पर सरकार निर्यात का प्रतिबंध लगा सकती है? देखिए, अगली जो निर्यात की पर जो प्रतिबंध लगने की संभावना है वो सफेद वस्तुओं में हो सकती है। वो कॉटन भी हो सकती है और चावल भी हो सकता है, क्योंकि कॉटन के अंदर यद्यपि सरकार ने एक विज्ञप्ति जो जारी की थी 13 अप्रैल को कि कपास के आयात पर 30 सितंबर तक के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है 30 सितंबर तक, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित है क्योंकि कपास के दाम लगभग दुगने हुए हैं। इससे जितने भी धागा मिल बनाने स्पिनिंग मिल्स हैं, साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बड़ी परेशानी हुई और उसको परेशानी का सबब यह हुआ कि दाम डबल हो गए, इनसे एक्सपोर्ट महंगे हो गए। और लेकिन ये जो तेजी थी कॉटन की, वो तेजी कॉटन की भारत तो कॉटन के उत्पादन में कमी, और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चर्चा थी कि वो गुलाबी सूंडा यानी पिंक बॉम्ब लगने से क्वालिटी कॉटन के ऊपर लगभग 60-70% फसलों को उसका इफेक्ट आया। उससे बढ़िया क्वालिटी के कॉटन जो है वो बिल्कुल कम हो गई और बाजारों में उसके दाम डबल हो गए। लेकिन ये हमारे यहाँ ही नहीं है, ये पूरे विश्व में है जी। और जिसका खुलासा हमने टाइम से पहले भी किया था, आपको याद हो सितंबर साल 2021 में भी किया था, उसके बाद लगातार हम हर महीने आपको कॉटन पे अपना रुख देते आ रहे हैं, जो सही साबित हो रहा है। लेकिन अब इंपोर्ट यदि हम लोग करते हैं, निर्यात पे तो कुछ कोई सवाल नहीं है, इंपोर्ट भी अभी क्योंकि ड्यूटी हटा चुकी है तो इंपोर्ट करने में किसी को एतराज नहीं है। आप करिए, निर्यात के ऊपर भी की हालत ये है कि किसान जिनके पास अच्छी क्वालिटी का माल है कॉटन, वो देने को तैयार नहीं है। और मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव आप किसी को जबरदस्ती माल बेचने के लिए कर सकते हैं। उनका अपना माल है, अपने तरीके से वो माल बेचेंगे। चावल के अंदर भी 24-25% की जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की उसमें रही है। अब मेन चीज ये है कि इंपोर्ट बढ़ाना घटाना रोक लगाना ये एक स्थायी समस्या का हल नहीं है। स्थायी समस्या का हल ये है कि आपको अपने निवेश बढ़ाने पड़ेंगे, नीतिगत फैसले सही लेने पड़ेंगे। और जैसे कल के इंटरव्यू के अंदर भी हमने आपसे निवेदन किया था कि सरकार को एक निश्चित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इतना प्रतिशत एनटीआरटी प्रोडक्शन बढ़ता है तो इतना प्रतिशत एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, इतने उससे ऊपर यदि दाम बढ़ते हैं तो इसके लिए इंपोर्ट किया जा सकेगा उसमें, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा तो उसके हिसाब से व्यापारियों को भी फायदा रहेगा, उपभोक्ताओं को भी फायदा रहेगा। अब जैसे गेहूं के ऊपर निर्यात के ऊपर उन्होंने रोक लगी, एक दिन पहले तक सुबह तक सरकार गेहूं के निर्यात को प्रमोशन की बात कर रही थी, रात को एकदम से मौका आया कि आप नहीं लगा सकते। फिर ये नई विज्ञप्ति आई कि 13 मई तक इसके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, जिनके सौदे हो गए उनको इंपोर्ट की एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी। अब व्यापारी जिसने माल खरीद लिया ऊंचे दाम में और यदि वो नहीं बेच पाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि अफरा तफरी से बाजारों के अंदर पैनिक होता है और उस पैनिक को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो। उस नीति स्पष्ट होने से व्यापारी या उपभोक्ता या किसान उनको आइडिया होगा कि भाई हमें यहाँ पे उत्पादन करना है, इस वस्तु का उत्पादन करना है। और ये और दूसरी चीज मौसम विज्ञान, मौसम विभाग की पिछले साल की सारी चीजें गलत साबित हुई। उन्होंने कहा था जुलाई अगस्त में औसत से अच्छी बरसात होगी जबकि 30% माइनस में हुई, सितंबर अक्टूबर के अंदर 30% प्लस बरसात हो गई तो सारी फसलें दोनों तरफ से परेशान हुई, पहले सूखे के मार से मरे फिर अधिक वर्षा से मरे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आ जाती है तो किसान और व्यापारी दोनों ही हतरत हो जाते हैं। तो ऐसे समय के अंदर कुछ फौरी तौर पर इलाज करना चाहिए, फौरी तौर पर उनको सहायता या उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जी गणेश जी।